बच्चों को बैठ के एक एक चीज़ सही गलत क्या है वो बता सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये एजुकेशन घर के अलावा स्कूल में भी कंटिन्यू हो, और वहाँ पे अब अगर को एजुकेशनल स्कूल है तो वहाँ पे टीचर्स हैव टू बी वेरी विजिलेंट, और ये चीज़ उन लोगों को बतानी बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि गर्ल्स हैव टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। तो वहीं से शुरुआत होगी, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को बहुत देर तक छोड़ देते हैं। जब लड़का बदतमीज़ी करता है, जब इस तरह के किस्से सुने जाते हैं, तब उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये चीज़ तो बचपन से सिखाने की ज़रूरत है कि ये आप जो कर रहे हैं वो गलत है। जैसे अब मॉरल साइंस में भी चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, ये चीज़ें जैसे सिखाई जाती थी उसी तरीके से महिलाओं को रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये तभी सिखाएं तो बच्चों के शायद दिमाग में वो चीज़ रहे। थैंक यू मैम। और कोई प्रश्न करना चाह रहा है, कोई उलझन हो किसी के मन की तो आप पूछ सकते हो। इस विषय पर जुड़े अगर कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं तो स्वागत है आपके प्रश्नों का। एक जवाब मैं दे दूँ फिर मैम को देती हूँ। देखिए, जैसा माहौल आजकल है, कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी के साथ में कोई इस तरीके का इंसिडेंट हो, और टाइम आजकल ऐसा है, इट इज़ अनसेफ एंड वेरी इनसिक्योर। तो मैं कहूँगी कि आप ये क्वेश्चन करने की जगह आप पेरेंट्स की कंसर्न समझिए कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको तो जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि यू विल बी सेफ, बट दूसरा जो व्यक्ति होगा, कोई कोई लड़का होगा या जो भी होगा, उसकी उसका जो बिहेवियर, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक घर में बेटी है, उसी घर में बेटी है और उसी घर में अगर लड़का भी है, तो लड़की को आप ये बोल करके रोकोगे कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, वो आजकल जैसे कि आपने बताया इनसिक्योर हो जाए, और वहीं अगर आप अपने ही बेटे को बाहर भेजोगे तो फिर वो चीज़ सामने वाले, इसीलिए मैंने कहा कि तो दोनों को रोकना चाहिए ना, दोनों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और इसीलिए मैं ये कह रही थी कि जो बेसिक एजुकेशन है वो घर से ही स्टार्ट होती है। उसी समय जैसे आप लड़की को करते हैं, लड़के को भी बताना बहुत ज़रूरी है, लड़के को भी समझाना ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। तो डेफिनेटली परवरिश में जो अभी जो होता है फ़र्क होता है वो नहीं होना चाहिए।